नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 11 सिलेंडर के दाम कम करने की मांग। गोंदिया जिले में 48 नए पॉजिटिव। केमिकल से पके आम हानिकारक। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के कीमतों में नियमित रूप से बढ़ोतरी किए जाने के कारण महंगाई का ग्राफ आसमान छू रहा है। सामान्य नागरिकों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। ग्रामीण व शहरी परिसर के किसान, खेतीहर मजदूर, शोषित पीड़ित महिलाएं मेहनत मजदूर कर परिवार का पालन पोषण कर रही है, लेकिन रोजगार न मिलने से महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के कारण आर्थिक समस्या निर्मित हो गई है। तो वही दूसरी ओर गोंदिया जिले में 48 नए पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमण की गति में कमी आ रही है, फलस्वरूप जिले का रिकवरी रेट भी तेजी से उठ चला है। वर्तमान में 96.75% मरीज कोरोना मुक्त हो गए थे, वही केवल 3.25% क्रियाशील मरीज है। उसमें भी लगभग 2% मरीजों में मामूली लक्षण होने से उन्हें घर पर ही क्वारंटाइन की सलाह दी गई, जिससे जिला अब ग्रीन जोन में आ गया है। जिले में अप्रैल महीने में कोरोना का विस्फोट दिखाई दिया था, लेकिन मई महीने की शुरुआत से ही कोरोना की गति मंद होना शुरू हो गई है, जिससे प्रभावितों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या अधिक दिखाई देने लगी है, जिससे नागरिकों सहित स्वास्थ्य मशीनरी को राहत मिल गई है। तो वही तीसरी ओर केमिकल से पके आम हानिकारक। पेड़ों से पके आम का स्वाद आता है, लेकिन जल्द मुनाफा करने के चक्कर में जल्द पकाने के लिए केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश व्यक्तियों को गर्मी के मौसम में आम खाना काफी अच्छा लगता है। अगर आम पेड़ों में ही पके हो तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, लेकिन जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी आम को जल्द से जल्द पकाने के लिए केमिकल का उपयोग करते हैं, जो लोग के लिए काफी हानिकारक है, जिससे लोगों को किडनी और लीवर खराब होने की संभावना रहती है। व्यापारियों को नागरिक के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें केवल आम बेचकर पैसा कमाना होता है। कई आम कैल्शियम नामक रसायन पदार्थ से पकाए जाते हैं, जो शरीर के लिए घातक बताया जाता है। तनस से पके आम अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने मिलते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।